वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हम आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने वाले हैं जो ख़ासकर बैरून पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई अहम होने वाली है और उनके लिए इंफॉर्मेशन का ज़रिया है, खासुसन यूएई और ओमान के बारे में, ओमान के एनओसी के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचती रहे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसलिए कि जो आने वाली वीडियो है इंशाल्लाह ओमान के हवाले से, यूएई के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह हम आपके साथ सही मालूमात फराहम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, हम दुबई अमारात के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अमारात के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दुबई के एयरलाइन के मुतल्लिक है जिन्होंने अपने मुलाज़मीन को निकालना शुरू कर दिया है क्योंकि अखराजात ज़्यादा आमदन नहीं है, आमदन ना होने के बराबर है। अमारात में हम इन हुनरमंद अफराद को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जो हम अपनी अफरादी कुव्वत की तश्कील कर सकते हैं। जब तक हम कर सकते हैं तो हम इस वबाई मर्ज़ से हमारे कारोबार पर पड़ने वाले अहम असर को देखते हुए हम महज अजाफी वसाइल को बरकरार नहीं रख सकते और इनका मुकाबला करना पड़ता है। तर्जमान ने बताया, बयान में कहा कि हमारे काम शुदा अफवाज को हमारे काम किए गए ऑपरेशनों के मुताबिक हकूक़ देंगे, तमाम मंजरे नामों और इख्तियारात का जायज़ा लेने के बाद हम गहरे अफसोस से कह रहे हैं कि हमें अपने कुछ लोगों को नौकरियों से फारग करना पड़ेगा। ज़रा का हवाला देते हुए राइटर और ब्लॉग मबरग ने पहले बताया था कि बेकार बनाए जाने वालों में अक्सर कैबिन अमले के कारकुनों के साथ साथ इसके इंजीनियर और पायलटों की एक अक्लियत है, तादाद है जिनमें एयरबस A380 और ये एक बहुत ही मुश्किल फ़ैसला था, ना कि हमने हल्के से फ़ैसला लिया। कंपनी जहां भी हो सके अफरादी कुव्वत की हफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यहां हम सख्त फ़ैसले करने पर मजबूर हैं। हम लोगों के साथ इंसाफ और एहतराम के साथ बर्ताव करेंगे, हम इनके साथ काम करेंगे। बयान में कहा गया है कि मुलाज़मीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए मुतासर किया, ताहम तर्जमान ने यह इंकशाफ नहीं किया कि अफरादी कुव्वत को हक देने के इस ताज़ा तरीन दौर में कितने मुलाज़मीन को नौकरी से निकाला जा रहा है। अमारात ने इतवार के रोज़ इस बात की तस्दीक की है कि इसने अपने अमले की कम तनख्वाहों की मुद्दत में सितंबर तक मज़ीद 3 माह की तुसी कर दी है। इससे कबल अप्रैल में 3 माह के लिए बुनियादी उजरत में 25 से 50% कमी की गई थी और जूनियर मुलाजमीन को छूट दी गई थी। एयरलाइन ने अपने 2019 से 2020 माली साल के आखिर में 60,000 के करीब अफराद को मुलाजमत में रखा था। साज अहमद, चीफ तजर्बाकार साज अहमद ने कहा कि अमारात में नौकरियों में कमी का ये मुमकिन तौर पर सबसे आखिरी नुकसान नहीं होगा। जब कोविड 19
को हवाई सफ़र ही नहीं हुआ था बल्कि पूरी हवाबाजी की सनत को नुकसान हुआ था। अमारात के बड़े पैमाने पर बैन अलाक्वामी नेटवर्क का मतलब ये है कि मुलाजमत में कमी हमेशा ही आखिरी रास्ता अख्तियार किया गया है, क्योंकि कंपनी ऐसे वक्त में जब नकद आमदनी ख़त्म हो जाती है और अखराजात रुकने पड़ते हैं, जबकि अमारात स्काई कार्गो सरगर्मियों में है। हकीकत यह है कि यह आमदनी, इन्होंने मज़ीद कहा कि मुसाफरों की कार्रवाइयों से खोई, यानी कि मुसाफरों ने सफ़र नहीं किया और नुकसान हुआ। तो इंशाल्लाह हम अभी ओमान के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, तो हमारी वीडियो एंड तक देखिए इंशाल्लाह। मस्कत ओमान ने जकम जनवरी 2021 से मुल्क में बैरून मुल्क मुलाजमत करने वाले मुलाजमों को मुलाजमत में तब्दील करने का रास्ता साफ करते हुए इतवार के रोज़ नोत्रासनन NOC को हटा दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल हसन बिन मोहसन अल शरीकी, इंस्पेक्टर पुलिस और कस्टम के जनरल ने गैर मुल्की रिहायशी कानून के एग्जेक्टिव रेगुलेशन के आर्टिकल 24 में तरमीम की है। नए तरमीम के मुताबिक एक मुलाजम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा सकता है, बशर्त है कि वो अपने सबका आजर के साथ मुआहदे की मुदत पूरी कर दे। बयान में कहा गया है कि इन्हीं मुलाजमीन को ये साबित करना होगा कि इन्होंने किसी और कंपनी में शामिल होने के लिए अपने सबका आजर के साथ मुआहदा मुकम्मल कर लिया है। बयान के मुताबिक इस फैसले को सरकारी गज़ट में शामिल किया गया है और इस बार 1 जनवरी 2021 को अमल किया जाएगा। NOC क्या है? ओमान में नान अतराज सर्टिफिकेट NOC के क्याम के आगाज़ से ही ये काफ़ी चर्चा हो रहा है कि इस फैसले के तहत एक तारकिन वतन कारकुन जो ओमान में नौकरियों में तब्दील होना चाहता है, इसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के लिए NOC हासिल करना होगा। अगर इसे NOC नहीं मिलता तो मुलाजम के पास दो ऑप्शंस बाकी रह जाते हैं, या तो अपनी मौजूदा कंपनी में रहो या ओमान से चले जाओ। मज़ीद तफसीलात पर अमल कर वतन वापसी के दौरान कोविड-19 फंसे हुए हिंदुस्तानी ओमान 5000 से घर रवाना हुए। ओमान में गाड़ियां ईंधन की पैदावार में कमी आ रही है। तलका मजामीन मथुरा में कोविड-19 के मामलों में कमी जारी है। सीब में कुल मकदमा 4000 को अबूर करते हुए हैं। ओमान के एनवायरमेंट सोसाइटी ने समुद्री कछुओं के लिए 5000 तहफ़ ग्रांट जीता। ओमान में कोरोना वायरस से मरने के 6 वाक़ियात रिपोर्ट हुए, जिनकी तादाद बढ़कर 81 हो गई। ओमान में 604 नए कोरोना वायरस के केसों की तस्दीक, कुल बढ़कर 17,486 हो गया। तो मस्कत में हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मस्कत में इंडियन स्कूल की क्लास 10 की तालबा ने खुदकशी कर ली। कोरोना वायरस की पाबंदियां ओमान में क्या बंद और क्या खुला रहेगा, हमारी दूसरी वीडियो में जानिए। इंशाल्लाह हम आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे, और हमें इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।